हेलो इन्वेस्टर्स। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। तो गाइस शेयर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे मैं बहुत सारे मैंने स्टॉक्स और अच्छे स्टॉक्स का एंटर टाइम एग्जिट टाइम जहां पे मैं देता हूं और काफ़ी अच्छा वहां पे रिटर्न कमा सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो गाइस इस शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। ये शेयर एक काफ़ी पेनी स्टॉक है जो डिमांड के अंदर अभी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत कम रुपए के अंदर हम इसकी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। लेकिन अभी इसका क्या दायरा है, हमें कभी से बाय करना है, कैसा है? क्योंकि अभी ये फ़िलहाल देखिए यहाँ पे ये अप्रोक्स 0.86 तक आ गया था और अभी ये 0.75, 76, 7+150 वहाँ तक आ चुका है। 52 वीक हाई इसका 1.8 है। तो अगर ये 1.7 भी जाता है तो भी काफ़ी अच्छा रिटर्न उसको अंदर हम शो कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें बाय कब करना है और क्यों करना है? तो गाइस अभी इसके अंदर बाय का कोई नहीं टेक्निक शो कर रहा है इसके अंदर कोई भी टेक्निकल व्यू के हिसाब से, क्योंकि अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले की न्यूज़ में अगर आपको दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CBI फाइल्स FIR अगेंस्ट मुंबई बेस्ड GTL इंफ्रा फॉर बैंक फ्रॉड वर्थ ₹4063 करोड़। तो एक फ्रॉड की जो केस है इसके ऊपर CBI ने फाइल की है, तो उसका भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा। तो और उस इम्पेक्ट का हमको क्या डेरिवेटिव मिलेगा कि हम इसके अंदर एक अच्छा टारगेट बना सकते हैं ख़रीदने का? तो गाइज जो एक बाय रेंज है वो है इसकी 0.6 और 0.65, वहाँ तक अगर ये आता है तो हम इसके अंदर बाय कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में 1 साल में 1.5 साल के अंदर काफ़ी अच्छा अपने को रिटर्न दे देगा जहाँ तक मुझे दिख रहा है इसके अंदर। इसका फंडामेंटल्स काफ़ी क्लियर हैं, थोड़ा बहुत इसके ऊपर डेट है लेकिन वो भी जहाँ तक मुझे दिख रहा है अगर कंपनी बेहतर तरीके से चलेगी विदाउट एनी काइंड ऑफ फ्रॉड देन डेफिनेटली हमको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो गाइस इसके अंदर डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर इसके अंदर हमको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही एक बाय का टाइमिंग आएगा इसके अंदर ख़रीदने का, मे बी 0.7 के पास, तो उसके हिसाब से भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो गाइज़ अभी के लिए सिर्फ इतना ही, चैनल पर बने रहिएगा।